नमस्कार, मैं हूं सोनाली स्कोत्रा और आप देख रहे हैं शिप टाइम न्यूज। जिस तरह से बाव फोर की बात करें, वहां पे चीते का खौफ जो है वो कुछ दिन पहले का बना हुआ है और अभी तक जो है वो चीता पकड़ा नहीं गया है। अभी भी दहशत में जो है बाव फोर के लोग आए हुए हैं। अगर हम बात करें, आज जो है वो हमारे जम्मू के मेयर जहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने विजिट किया और देखा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए चीते को पकड़ने के लिए। लेकिन मैं अगर आपको एक बात और बता दूँ, ये वो जगह है और ये पीछे आप मेरे जंगल देख सकते हो, यहाँ पे जो वो चीता आया हुआ था और कुछ कुत्तों को चपेट में जो है वो उन्होंने लिया हुआ था। और ये घर आप नीचे देख रहे हैं, चीता जो है वो नीचे तक आया हुआ था, लेकिन ये घर के माहौल आप देख सकते हैं, नीचे से पूरा जंगल जाता है। यहाँ पे कोई तार कोई जाला जो है वो नहीं लगा हुआ, चीता सीधे इस घर में भी आ सकता है। खुद ना खासा यहाँ पे आए, लेकिन उसके हालात जो है वो बन सकते हैं रात के समय। क्या पता ये लोग सोते हैं कि नहीं सोते हैं, पूरा पूरा दिन जो है वो जाके निकाल देते हैं कि कहीं चीता ना आ जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी खतरा जो है वो हो सकता है। देख सकते हैं ये विजुअल्स, ये जंगल और ये घर, ये सीधा जंगल की ओर की तरफ से लगता है और यहाँ पर चीते के आने के आसार जो है वो बने हुए हैं। लेकिन अभी तक कुछ कड़े इंतजाम नहीं किए गए हैं। हफ्ते से एक ज़्यादा हो गया है चीता आए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी इंतजाम जहाँ पर जाला या फिर कोई कुछ नहीं लगाया गया। ये वो घर है जहाँ पर कुछ ये वो देख सकते हैं, नीचे एक चीता को पकड़ने के लिए जाला लगाया गया। लेकिन इससे कुछ कुछ क्या होगा, आगे पीछे जगह देखो कितनी है, वहाँ से भी चीता अंदर आ सकता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम? किरण कुमार जी। सर, क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से चीता के आने के आसार बने हुए, ये घर है, क्या कहना चाहते हैं, क्या हो सकता है? हमें तो सरकार से यही आशा है कि जहाँ पे आए, जहाँ पे देखें, जहाँ पे हमारे ये गरीब घर के बच्चे हैं और इनके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि चीता कहीं भी किसी टाइम भी आ सकता है और इनके ऊपर अटैक हो सकता है। तो मैंने पहले भी बोला था कि जहाँ पे हमें वायर लगा के दे दें, जहाँ पे तार लगा के दे दें, जिनके इनकी घर की सेफ्टी हो जाए। इन्होंने तो अपने घर की सेफ्टी तो की हुई है, लेकिन सेफ्टी करते बावजूद फिर भी अटैक हुआ है इनके ऊपर। अगर उन्होंने इधर नहीं छोड़ा तो ये तो ओपनिंग है, तो इनके बस यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। जी सर, अब तो ये बात को मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो क्या क्या सरकार की तरफ से मतलब प्रशासन की तरफ से ढीलापन हो रहा है यहाँ पे? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई ढीलापन नहीं हो रहा है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर ढीलापन होता तो आज भी वो चक्कर लगाने आए थे, कल भी लगा रहे हैं, रोज ही लगा रहे हैं। अगर जानवर उसको पकड़ना तो इतना आसान तो है ही नहीं है, लेकिन चलो आज नहीं तो कल तो पकड़ा जाएगा ही। जी सर, क्या लगता है कितना मतलब डर का माहौल जो है एक हफ्ते से बना हुआ, लोग किस तरह से दिन रात जो है वो निकाल रहे हैं? नहीं, डर का तो माहौल तो बना ही हुआ ही है, क्योंकि बच्चों का घर है तो ज़्यादा तो हमें अपनी तो टेंशन ही नहीं है, बच्चों का ज़्यादा है टेंशन। लेकिन अब सरकार कर रही है कोशिश, देखो क्या होता है। जी सर, मतलब शेर जो, मतलब जो चीता आया हो ना, कहीं ना कहीं शिकार तो करना है, क्या वहाँ पे कोई माल मवेशी है जिस वजह से वो आते हैं या कुछ? हाँ, जहाँ पे हमारे जहाँ पे तो मैक्सिमम जहाँ पे कुत्ते वगैरह ही हैं इधर, और जहाँ पे वगैरह मोर शोर आते थे इधर, गिद्ध वगैरह हो गई, जहाँ पे सही वगैरह हो गई और जंगली सुअर आते थे, आज तो उनका आज मतलब 4-5 दिन हो गए उनको तो नामो निशान नहीं रहा इधर अब। अच्छा, नहीं तो इधर जहाँ तक वो आते थे वो, तो उनको शिकार हो, अगर मुझे जंगल का शिकार खत्म हो जाएगा फिर कुत्तों पे आ जाएंगे, कुत्ते खत्म हो जाएंगे फिर तो इंसान पे आ जाएंगे। जी सर, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? मतलब प्रशासन की तरफ से बात यही है कि जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजा। जी सर, क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से एक हफ्ता हो गया चीता का खौफ जो है यहाँ पे बना हुआ, क्या कहना यही चाहते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई बाउंड्री प्रोवाइड करनी चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, जो दो हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया। बेसिकली ये 6 महीने पहले ही लॉकडाउन में इसके बारे में सुनाया गया था कि नहीं यहाँ पे किसने देखा है, और शायद वो वीडियो वायरल भी हुई थी, कुछ फ़ोटोज एक मैम ने किए थे वायरल, वो तो उस टाइम सभी ने लाइटली लिया है। तो ऐसे ही चलता रहा, 1 महीना हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, अभी करते करते 6 महीने से भी ऊपर ज़्यादा टाइम हो गया। अब ये लिमिट ही पूरी क्रॉस कर गया, पहले तो जंगलों में देखा था, तो अब तो लोगों के घर भी आना स्टार्ट हो गया। तो जैसे लास्ट नाइट आपने देखा है यहाँ पे पिटबुल किसी ने रखा है, हमारे नीचे जो फैमिली है इन्होंने पिटबुल रखा था, उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो इन्होंने तो इनकी बाउंड्री लाइन बनी हुई थी बाकायदा, और जंगले के अंदर था वो, वहाँ पे भी उसने अटैक किया। तो ये तो एक घर आप देखते हो यहाँ पे कैमरा मार सकते हो, यहाँ पे पूरा ओपन है, इनको बेचारों को कुछ नहीं आया था, पूरा खुला हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे इनके लिए बाउंड्री बनाए, वहाँ पे जाला वगैरह लगा के कुछ, ताकि वो अंदर एंट्री ना कर सके, क्योंकि वो तो जानवर है, उसका पता थोड़ी है वो कब आएगा, और जब भी आएगा, अगर रात को आया है बेचारे सोए रहेंगे तो सोते सोते ही सुला देगा इनको। ठीक है, हमारी आप लोगों से यही है कि अब गवर्नमेंट को चाहिए इधर इनके लिए कुछ बाउंड्री लाइन बनाए और इनको थोड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करें। थैंक यू, और बस जी इतना ही। ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ पे जो बने हुए थे, और उनका ये कहना है कि इस घर में जो है वो बाउंड्री थी, लेकिन फिर भी चीता अंदर आ गया। लेकिन ये वाला इस साइड आप घर से देख सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंड्री लाइन नहीं बनी है या कुछ नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, किसी भी टाइम जो है वो चीता अटैक कर सकता है, क्योंकि जो चीता होता है उसको शिकार करना होता है, वो शिकार के लिए आएगा तो सही,
लेकिन ये देख सकते हैं पूरा खुला है, यहाँ पे कोई बाउंड्री लाइन बनी है, कोई जाला कुछ नहीं लगा हुआ, उनके लिए खतरा जो है वो ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन से ये स्थानीय लोग अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे उनके लिए कुछ प्रोवाइड किया जाए, यहाँ तो जाला लगा दी जाए या तो कोई बाउंड्री लाइन बना दी जाए कि ताकि बाउंड्री लाइन बना दी जाए ताकि कोई भी जानवर यहाँ पे ना आए और अटैक ना करे, जिस तरह से चीता का खौफ जो बफोर्ड के लोगों के लिए बना हुआ है वो ना हो। और आज जिस तरह से मेयर हमारे जम्मू के यहाँ पे विजिट किया और उन्होंने देखा, उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन देखते हैं वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। और आप इस तरह बने रहिए शिव टाइम के साथ, मुझे बल्कि इस नारिश गोत्रा को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।